चल, आपसे बात हो रही है मेरी। आप कौन से शहर में हो? देहरादून उत्तराखंड। देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ, एडमिंटन कनाडा में। और आपने मेरे से संपर्क किया है और आपको कुछ सवाल पूछने हैं। जी पहली बात, आपकी जो आवाज़ और फोटो यूट्यूब पे जा रही है, आपकी परमिशन है या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल है बताएं क्या सवाल है मेरे लिए। जी। आशा सर, मेरे पास तकरीबन 1 महीने पहले एक फेसबुक पे पोस्ट आई थी कि कनाडा में जॉब है और उसका कोई आपसे एडवांस पैसा नहीं लिया जाएगा, पैसा वीज़ा के बाद लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसके लिए उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा। ठीक है, मैंने वहाँ से उनको पासपोर्ट अपना कोरियर कर दिया, दिल्ली का एड्रेस था। आपने पासपोर्ट ही पूरा कोरियर कर दिया किसी को, ऐड देखकर किसी ने वहां पासपोर्ट, तो आपने पासपोर्ट भेज दिया। आपने पहले हमारे, मैं कम से कम 10-15 वीडियो में बना चुका हूँ, इस पे ज्यादा ही हो सकते हैं, कि जितने भी ये सब जॉब की स्कीमें हैं सारी फ्रॉड है, इस पे सच्चाई कुछ नहीं है। और आपने कोई वीडियो देखी नहीं, या पहले ही आपने पासपोर्ट किसी को कर दिया मेल? आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद सर, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने ऑफर लेटर, IRCC का अप्रूवल लेटर, लीमिया का अप्रूवल लेटर, ये तीनों मेरे को भेज दिए। LMIA का अप्रूवल, LMIA दिखाओगे मेरे को? अभी हम बातचीत चल रही है हमारी, तो व्हाट्सएप पे मेरे को LMIA भेजो जरा। मैंने सर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं। कौन से, मैं देखता हूँ एट कौन सिक्स से, डबल जीरो टू एक सेकंड भाई, 86। 002 नंबर है लास्ट, एट अच्छा डबल ठीक फोर है, नाइन जीरो ठीक है, मैं देख रहा हूँ। आप बात, अपनी बात चालू रखो, मैं देख रहा हूँ। जी तो उन्होंने भेजा है। और आज इनकी कॉल आई है और इन्होंने मेरे से मेडिकल करवाने को बोला, मेडिकल मैंने करवा के भेज दिया। ठीक है, अच्छा, और आज इनकी कॉल आई कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। वीजा अप्रूव हो गया? अच्छा जी ठीक है। ठीक है, और दिल्ली इमिग्रेशन से मेरे को मेल भी आया अच्छा, जी कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, बट वो ETA वीज़ा है। मैं सुन रहा हूँ कि बाद मेरे को हंसी आने शुरू हो गई है, जी लेकिन मैं बात आपको पूरी करवा फिर मैं सुनूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ETA वीज़ा आ गया, उन्होंने ऑनलाइन चेक करवाया, कैनेडियन जो गवर्नमेंट की साइट है वहाँ से उन्होंने चेक करवाया, तो वो वहाँ पे डन दिखा रहा है सब चीज़ें। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ये फेक है या फिर रियल है। क्या क्या दिखा रहा है? डन, व्हाट यू मीन डन दिखा रहा है? कहाँ डन दिखा रहा है? सर वो इमिग्रेशन साइट होती है ना कैनेडियन गवर्नमेंट्स की। मैं इमिग्रेशन साइट को जानता हूँ, मैं 20 साल से इमिग्रेशन साइट का ही काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है साइट क्या है। कहाँ पर देखा है डन आपने? सर वो उन्होंने वो वर्क वीज़ा करवाया, फिर ETA पे उन्होंने क्लिक करवाया तो नीचे जो मैंने अपनी पूरी डिटेल भरी तो वहाँ पे दिखा रहा है कि आपका अप्रूव्ड हो चुका है, J करके कोई वीज़ा नंबर है मेरा। सर जी, आप पहली बात तो आपने ये जो कहा ना कि जी आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, आपने जो डॉक्यूमेंट मेरे को भेजे हैं, आपने शायद खुद ही डॉक्यूमेंट अपने आप नहीं पढ़े, कि उसमें लिखा है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। वीज़ा रिफ्यूज। आप मेरे को बोल रहे हो कि अप्रूव हो गया, जो आपने मैसेज मेरे को भेजा उसमें साफ साफ लिखा है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। वीज़ा रिफ्यूज हो गया, हाँ मैंने शायद पढ़ा नहीं उसको ढंग से। एक्चुअली एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैंने देखा कि हाँ वहाँ पे वो डन और अप्रूव दिखा रहा था तो बस एक्साइटमेंट में ही बस सब ये लूटमार चल रही है। कंपनी का नाम बता दो जरा पहले, किस कंपनी से आप डीलिंग कर रहे हो, और कंपनी या कौन कह रही है आपको, क्या कह रही है, जो उसका जो नाम है? कंसल्टेंसी, हाँ जो कंसल्टेंसी कंपनी है वो है आपका एक्सेल एवेंचर्स ओवरसीज करके। कहाँ पर है ये, कौन आदमी है इसका, सरगना कौन है, कौन बॉस है, बॉस कप्तान कौन है इसका? सर दिल्ली की कंपनी है, उन्होंने उसके जो उसने नाम भी नहीं बताया अपना, एक्सेल वेंचर्स कंपनी के नाम से आता है, उसका मेल भी आते हैं मेरे पास HR के नाम से, HR एक्सेल वेंचर्स कंपनी। एंड जो कनाडा में जो जहाँ के लिए मेरा जॉब लगवाने के लिए बोल रहे थे उसका नाम है द ग्रेट ग्रैंड रॉयल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स कनाडा टोरंटो। मैं आपकी आपकी बातों को
सारे को निचोड़ के एक समाग एक गागर में सागर भर देता हूँ कि ये जो ग्रैंड होटल फलाना होटल, ये ग्रैंड फ्रॉड है, ये जी ना कोई ऐसा कोई होटल है, ना आपके कोई अप्रूवल है, ना वो जो LMI आपने दिखाया ना वो असली है, ऊपर से लेकर सब कुछ काला ही काला है, पूरी दाल काली है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब मेरे को आप ये बता जी, हाँ जी, अब मेरे को आप ये बता दो कि वापसी पैसे कितने दिए, पैसे कितने मांग रहे हैं। पैसे सर अभी मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया उनको, उन्होंने मेरे को बोला है कि आपका 8.5 लाख रुपए लगेगा और पूरे वीजा आने के बाद। वीजा आने के बाद कैसे लगेगा? वीजा तो ऑलरेडी लिखा है उसमें कि ये रिफ्यूज है। और सर वो बोल रहे हैं कि कल आपका वीजा कहाँ से आ जाएगा? वीजा की कोई फैक्ट्री लगा रखी क्या उन्होंने? ये तो ऑलरेडी कागज पे उन्होंने कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया है, कहीं से कुछ लैंग्वेज चिपका दी, कहीं से कुछ चिपका दी, आजकल तो इंटरनेट पे कुछ कुछ है, तो चिपका के उन्होंने आपका नाम डाल दिया है कि ऊपर लिखा है वीजा अप्रूव्ड, ऊपर लिख दिया वीजा अप्रूव्ड, कितनी चोरी की बात है, ऊपर लिख दिया अप्रूव्ड है, नीचे जो जो डिस्क्रिप्शन है उस पर सारे डिस्क्रिप्शन जो रिफ्यूजल लेटर में जो डिस्क्रिप्शन आता है वो कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया। तो भाई चोर जो भी हैं इनको अकल नहीं है चोरी करने की, और उन्होंने कईयों को जोड़ के कॉपी पेस्ट करके ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना के आपको आकर्षित करने की कोशिश करी है कि आपको लगे कि सरकारी कागज़ है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो आपने ETA वीज़ा की बात करी है, इससे इससे मालूम पड़ जाता है कि कितने धूर्त लोग हैं। ETA वीज़ा तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं है तो समझ लें अच्छी तरह। ETA वीज़ा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के उसमें परव्यू में नहीं आता। ये TRV एग्जाम जो पासपोर्ट होते हैं जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है वगैरह, उनमें आता है। तो ये भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। 8 लाख 8 जो भी कुछ है इसमें कुछ नहीं निकलना है, ये सब धोखा है, ये सब इसमें सर वो तो यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि कल आपका स्टैंपिंग और आपका जो वीज़ा लेटर है वो भी हम आपको भेज देंगे कल मेल पे, ठीक है, और अगर आप नहीं जाते हैं तो हम आपको लीगली इशू करेंगे। भाई मेरे को समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है, इतने तरह तरह के ठग बैठे हैं। वो पिक्चर आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मेरे को समझ नहीं आता कि ठग्स कुछ कुछ हैं ठग्स, ये सारे ही ठग्स हैं यहाँ पर। हम सू करेंगे, वीज़ा फीस पहले नहीं है, 8 लाख बाद में देना, और आपको ग्रैंड होटल में नौकरी मिल गई जी। आप देहरादून में रहते हो, उत्तराखंड में आपको फंसा रहे हैं। भले देखो फंसने तो कोई भी कहीं, चाहे दिल्ली वाले भी लोग फंस रहे हैं, हर तरह के लोग फंस रहे हैं, लेकिन आई एम शॉक्ड एक्चुअली कि इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा समुंदर है कस्टमर्स का, आप नहीं फंसोगे तो कोई और फंसेगा, वो नहीं फंसेगा तो तीसरा कोई और फंसेगा, इसमें फंसने के लिए लोग तैयार ही बैठे हैं। और कैनेडा जाने की ऐसी भूख है कि सही जॉब तो मिलता नहीं, गलत जॉब के चक्कर में कंसल्टेंट, अब उस कंसल्टेंट से पूछना भाई तो तू जो मेरे को 8 लाख रुपए चार्ज कर रहा है ये सब, तेरे को कनाडा जाने की जरूरत है? तू यहीं पे कनाडा बना रहा है अपना? जी सर आपकी शक्ल नीचे जा रही है, आप जरा ऊपर को आओ, शक्ल आपकी नीचे जा रही है। हाँ थोड़ा, हाँ अब ठीक है, बस ठीक है जी। तो ये सब इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। अब आप मेरे को बताओ, मेरे से क्या पूछना है आपको, मेरे से संपर्क करने का आपका वो ध्येय क्या है, मकसद क्या है? जी सर मैं ये चाह रहा था, मैं जैसे मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंडर हाई स्कूल हूँ, तो क्या मेरी पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं कनाडा में वर्क कर सकता हूँ? नौकरी ढूंढोगे, नौकरी असली मिल जाएगी तो आप जरूर आप आ जाओगे, नौकरी के बिना नहीं आ पाओगे। आपके जो प्रदेश के उत्तराखंड के और गांव के बहुत सारे पहाड़ी लोग यहाँ पर, कोई कुक है, कोई शेफ है, कोई काम कर रहे हैं, तो आप उनसे कोई संपर्क करें, हो सकता है कि अपने रेस्टोरेंट में कहीं आपको भाई बंदी में कोई जॉब दे दें, तो वही तरीका है। एजेंट को 8 लाख 6 लाख 2 लाख देने के देने से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, मेरे को तो ताज्जुब इतना है भाई कि ये जो आपसे बात हो रही है, ये कम से कम मेरी 20वीं या 25वीं मिनिमम ऐसी वीडियोस मेरी मे बी मोर ऐसी बन चुकी हैं जिसमें आज तक, और पिछले मैं करीब 2-2.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, आज तक कोई भी इंसान मेरे को ऐसा नहीं मिला है इंडिया से, जो इंडिया के कंसल्टेंट जो जिनका ऑफिस है, कोई दिल्ली में है, कोई मोहाली में है, कोई मुंबई में, हैदराबाद में है, उसको एक सही जॉब, सही LMIA मिली है, और जिसको लेकर वो वर्क वीज़ा लेकर प्रॉपर तरीके से फ्लाई करके कनाडा आया। मेरे को तो आज तक कोई नहीं मिला है, और मेरे को उम्मीद भी नहीं है कि कोई मिलेगा।
और लेकिन फिर भी आप जैसे लोग फिर भी ये शिकार हो ही जा रहे हैं आगे के। अभी आपने अगर पीछे वीडियो देखी होगी, नहीं है नहीं देखी देख लो, अभी पीछे गोरखपुर का एक बंदा था, वो भी उसने कोई अपने गरीब गरीब घर के हैं, उन्होंने अपने पता नहीं कहाँ से लोन देकर 50,000 रुपये एडवांस दिए, वो भी बाद में जी कंसल्टेंट को माफ़ी मांग के उसको वापस करने पड़े पैसे। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो उनसे, मैं कंसल्टेंट जितने भी बैठे हैं ना इंडिया में, जी मैं आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूं उन्हें कि आप जो लोगों को ये जॉब दे रहे हो, यहाँ पर कैनेडियन सिटीजन बैठे हैं ऑलरेडी जो बेरोजगार हैं, कैनेडियन जी सिटीजन बैठे, उन्हें ना वर्क वीजा की जरूरत है ना किसी और परमिट की जरूरत है उनको, वो तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। आपको ग्रैंड होटल में जो नौकरी लगवा रहे हो, आप मेरी नौकरी लगवा दो वहां पर किसी और। तो कैनेडियन जी सिटीजन जो यहाँ पर बैठे हैं बेरोजगार, करीब करीब यहाँ पर 8 से 10% बेरोजगारी का रेट है, आपको शायद पता नहीं है। जो जो यंग जो लोग हैं 18 से लेकर 50 तक, उसमें कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, वो कनाडा में पैदाइश है उनकी, यहाँ बैठे हुए हैं। जी अगर ओबराय होटल ने, आई एम सॉरी क्या नाम इसका, सॉरी ग्रैंड होटल को अगर नौकरी के लिए कुछ रखना है, तो यहाँ पर कैनेडियन लोग उनके पास नहीं मिलते, वो जाके देहरादून उनसे लेके आएंगे क्या भाई? सर, पोस्ट भी मेरे को कैब ड्राइवर के दिए। कैब ड्राइवर की, यहाँ पर कैब ड्राइवर लोग गाड़ी चला नहीं सकते, आप मेरे को नौकरी रख लो, मैं चला देता हूँ कैब यहाँ पर। कैब ड्राइवर के लिए यहाँ पर मतलब पूरे कनाडा में कोई टैक्सी चलाने को कोई बंदा ही नहीं मिल रहा है यहाँ उनको, यहाँ पर एडवर्टाइज करना पड़ता है और हजारों रेज्यूमे इकट्ठे हो जाएंगे कैब के लिए। कैब कैब के लिए उन्होंने आपको झांसा दिया और देहरादून से कैब ड्राइवर उठा के कनाडा जाएगा वहाँ कैब चलाने, देखो कितनी बड़ी हंसने वाली बात है। और लेकिन आप भी आकर्षित हो गए, आप भी पैसे देने को तैयार हो, ये 8 लाख, और उनकी मजाल ये है कि बोल रहे हैं कि अगर आप नौकरी नहीं दे तो आपको सू कर देंगे। सू किस जी बात का जी करेंगे भाई साहब? ना, लीगली इशू, लीगली हम आप पे कार्रवाई करेंगे अगर तो आपने पेमेंट नहीं की हमको। उनसे उनसे तो उनसे कह देना भाई तू कर दे सू, जहाँ जा सू, तू जहाँ जाना है चाहे तो लोकल कोर्ट में कर, चाहे हाई कोर्ट में कर, चाहे सुप्रीम कोर्ट में कर, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ जाना है आपको चले जाओ। आप सू, आप उससे कह रहे आप सू कर ही दो मेरे को, आप सू जल्दी जल्दी करो, हम भी देख लें कि सू करने की, सू की तुम्हें स्पेलिंग भी पता है कि नहीं है, ये तुम कर ही लो सू। सर फिर वो पासपोर्ट का दिक्कत हो जाएगी, पासपोर्ट कैसे लूंगा अपना तो वापस। सर जी, अब ये तो गलती मेरी नहीं है ना, पासपोर्ट आपने अपनी मर्जी, पासपोर्ट आपने क्यों दिए, तो मेरे को तो बड़ी हैरानी कि आपने पासपोर्ट ही दे दिया उनको। ये तो सर आप वो मेरे को इतना लेट बोल रहे हो, अगर आपने मेरे से परमिशन तो ली नहीं पहले के पासपोर्ट देना ही देना, मैं तो कभी नहीं दूँ पासपोर्ट किसी को। जी तो पासपोर्ट अपना लेकर आओ, अपने जो आपके उत्तराखंड के जो पुलिस पुलिस महकमे हैं उनको कॉल करो, सरकार को कॉल करो, अपने चीफ मिनिस्टर के पास जाओ, प्रधानमंत्री मोदी के पास जाओ, अच्छे दिन आएंगे कब आएंगे भाई, ये कम से कम पासपोर्ट तो वापस लो। जी तो पासपोर्ट तो आपका फंस गया है, तो पासपोर्ट के लिए तो मैं कुछ नहीं हेल्प आप कर सकता, मैंने तो इतना ही आपको कर सकता हूँ कि इन सब में कोई सच्चाई नहीं है, ये जॉब असली नहीं है, LMI असली नहीं है, नौकरी असली नहीं है, जो आपका जो जो लेटर लिखा है उन्होंने, लेटर ने इतनी उन्होंने मक्कारी करी है, ऊपर लिख दिया अप्रूवल लेकिन नीचे उसकी कहीं से कॉपी पेस्ट करके जो लैंग्वेज कॉपी करी है उसमें रिफ्यूजर की वो लगी हुई है, और इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, आई मीन दिस इज बोगस। ठीक है सर। और जो आपसे, जो आपको बोल रहे हैं ना कि कल वीजा आने वाला है, कल अप्लाई हो जाएगा, कुछ आप बोल रहे थे ना ऐसे, कल आएगा, क्या कह रहे थे? जी, कल वो बोल रहे हैं स्टैंपिंग वीजा में आपकी स्नैप खींच के आपको भेजूंगा, और वीजा अप्रूवल जो वीजा आया है लेटर का, ETA लेटर, वो मैं आपको भेजूंगा। बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ETA लेटर, ETA, अबे उनको मुझसे बोला ETA की तुम्हें डेफिनेशन पता है, व्हाट इज ETA, ETA का मतलब क्या होता है, ETA कैसे आ जाएगा जब आपने उसको अप्लाई नहीं किया, पहली बार अप्लाई कर ही नहीं सकते, जब तक उसको अप्लाई करने का तरीका होता है उसका, एक ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसको, एक उसकी फीस कितनी बताई ETA की, फीस भी पता है उन्हें कितनी फीस लगती है ETA की? फीस वगैरह कुछ नहीं पता उन्होंने, लास्ट में हम आपसे 8.5 लाख रुपए लेंगे। सब ऊपर से लेकर नीचे तक सारा धोखा है, कुछ नहीं है उसमें। मेरे से क्या सवाल है, मेरे से सवाल बताओ मेरे को आप क्या, मेरे से आपको क्या हेल्प चाहिए ये बताओ। मैं पासपोर्ट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता भाई, पासपोर्ट मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई एम इन कनाडा, आप उत्तराखंड में हो, मेरे पास जी इतना इतनी पावर नहीं है कि मैं किसी को बोलूं कि आपका पासपोर्ट दे दे, ना वो मेरी बात सुनेंगे शायद। जी सर, मैं यही मतलब यही मेरा सवाल था कि क्या मतलब हम जैसे मतलब छोटे जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए मतलब कोई जॉब है कनाडा में कि नहीं। जॉब का लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि जॉब आपको असली ढूंढे, असली जॉब कहाँ मिलेगी ये मेरे को पता नहीं है। तो मैंने जी आपको बताया ना कि उत्तराखंड के कई लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे आप संपर्क करें, शायद जी आपको जी काम
पहाड़ी कोई आपके कोई बिरादरी का कोई आपको जॉब ऑफ दे दे तो वही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम. और बाकी आपको भी और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता था कि मैं दिल्ली में होऊंगा जनवरी में, अगर किसी को मिलना है अपॉइंटमेंट लेकर तो मेरे को जी. पहले मैसेज कर सकता है, तो और मैं उससे मिलूंगा अगर कोई ऐसे कोई मसला है. बाकी मेरे को खेद है कि आपके पासपोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, पासपोर्ट आपको अपने ही तरीके से लेना पड़ेगा. देयर इज़ नथिंग आई कैन डू. मैंने तो सबको इतना ही बता दिया कि ये सब धोखा है, फिर आपको जैसे करना है कर सकते हैं. थैंक यू, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू नॉट